मतलब आप लोगों से वादा है कि अगर 10,000 सब्सक्राइबर, 1,000 बोल रहा हूँ, 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने से मैं GoPro तो लूँगा ही, एक कन्फर्म है। उसके साथ साथ कोलकाता टू लद्दाख कन्फर्म है, मैं करूँगा ही। सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट टाइम श्योर खरीद लेंगे। हाँ, सो हम लोगों का हॉल्ट हो गया है कंप्लीट। अभी हम लोग आगे के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि पीयू का भैया वहाँ पे वेट कर रहे हैं हम लोग को घुमाने के लिए। जैसा भी बोला, नजारा बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत ही सुंदर है। इतना ऊंचे में आके I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. एग्जैक्ट मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत ही करके मैं वीडियो एडिट करके रखा है, लेकिन उसको मैं अपलोड नहीं कर पा रहा है। और कल का दिन मैं पूरा रेस्ट लिया था, आजू बाजू में घूमने के लिए गया था, ब्लॉग करने के लिए उतना कुछ खास नहीं था करके मैंने ब्लॉग नहीं किया वहाँ पे। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा अपसेट था कि मैं वीडियो टाइम टू टाइम डाल दूंगा करके मैं सोचा था, लेकिन नेटवर्क का इशू था करके मैं डाल नहीं पाया। लेकिन आज हम लोग बाकी का जो राइड है वो कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं बिष्णुपुर के लिए। सो यहाँ से ऑलमोस्ट जो है दिखा रहा है 1 घंटा 40 मिनट का राइड है कुछ बिष्णुपुर जाने के लिए। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा टेराकोटा का मंदिर है, बहुत ही अच्छा अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्ग भाई से। 2-3 दिन के मुकाबले आज जो वेदर है बहुत ही अच्छा है, पूरा सनलाइट है। और मतलब ये वेदर तो एक राइडर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बारिश होने से क्या होता है आपको चलाने में भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज जो वेदर है एकदम क्रिस्टल क्लियर वेदर है। मतलब धूप होने से क्या होता है, गर्मी लगता है, मेरे को पता है कि गर्मी लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आप अच्छे से गाड़ी चला सकते हो। सो अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं, जस्ट ब्रेकफास्ट बाकी है। पीयू अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है, वो अभी ब्रश वगैरह कर रहा है, करके फिर हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। जैसा कि मैं बोला 1 घंटा 40 मिनट का टोटल राइड है यहाँ से बिष्णुपुर के लिए। ओरिजिनल जो डेस्टिनेशन के लिए मैं आया वो डेस्टिनेशन में ही अभी जाना है। सो एक चीज़ मेरे को ठीक करना पड़ेगा, ये कैमरा जब मैं ख़रीदा था, ये एक्चुअली सेकेंड हैंड कैमरा मैंने ख़रीदा था। सो अभी क्या होता है, सेकेंड हैंड कैमरा में थोड़ा सा फंगस वगैरह रहता है, तो इसमें भी फंगस है, मतलब इधर फंगस है, थोड़ा फंगस है। सो इसको अभी मैं क्या करूँगा कि अभी जैसा है ऐसा ही मैं अंडमान में लेके चला जाऊँगा, थोड़ा पैसा बन जाएगा, उसके बाद इसको मैं सर्विसिंग में डालूंगा, जितना भी फंगस वगैरह है सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, तभी जाके पिक्चर क्वालिटी और भी अच्छा हो जाएगा। अभी अच्छा है लेकिन तभी और भी अच्छा हो जाएगा। सो कैमरा का लेंस देख के तो थोड़ा बहुत घबरा ही गया था, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, इसमें हाथ डालने से क्या होता था, इसमें फंगस की तरह पूरा एकदम शेडी वीडियो हो रहा था। सो अभी कागज़ से जैसे ही इसको क्लीन किया तभी जाके पिक्चर क्वालिटी थोड़ा अच्छा बन गया, और मैं घबरा गया था थोड़ा। मेरे को एक्चुअली एक पेज वगैरह, मतलब एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक टिश्यू पेपर या तो पेज वगैरह मेरे को कैरी करना पड़ेगा, इसका लेंस कभी कभार क्लीन। हम लोग ऑलमोस्ट बिष्णुपुर के करीब है, मतलब और गूगल मैप में दिखा रहा है एज़ पर गूगल मैप के हिसाब से, और 20 मिनट बाकी है। और अभी जो रास्ता से हम लोग जा रहे हैं बेसिकली फ्लैट लैंड है, इतना सुंदर लग रहा है ना, पूरा लग रहा है कि पहाड़ के अंदर से हम लोग जा रहे हैं। ऐसा रास्ता, ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है, पूरा देखो, पूरा स्मूथ रास्ता, दोनों तरफ पे जंगल, जैसा पहाड़ का रास्ता वैसा वाला। अभी पीयू कैमरा पकड़ के पूरा ये व्यू का ये लेगा। एक्चुअली मैं सोचा था मेरा GoPro अगर एक खरीद लेता मैं तो सबसे अच्छा मैं वीडियो निकाल सकता था, लेकिन अभी GoPro नहीं, अभी थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट टाइम श्योर खरीद लेंगे। हाँ, नियो से मतलब एकदम खरीदेंगे, कंफर्म है, बात नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ। फाइनली हम लोग बिष्णुपुर पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी देर हम लोगों को और चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद पीयू का भैया भी वहां पे वेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए, बिष्णुपुर हम लोगों को घुमा के दिखाएगा। अगर
सो मेरा ये जो बाइक है TVS का, ये मैंने खरीदा था 2016 में। जब मैं 2016 में ये बाइक को ख़रीदा था, तब से ही मेरे को मन था कि एक राइड पे निकलने का, लेकिन तब से मेरे को नहीं हुआ। कोई भी राइड पे मैं नहीं गया, कहीं पे भी नहीं गया। आज शादी के बाद, शादी होके भी 3 साल होने के बाद, फिर प्यू को बहुत ही मेहनत करके उसको राज़ी किया कि चलो एक छोटा सा राइड करके आते हैं। तो छोटा सा राइड पहले हम लोगों का बना था दार्जिलिंग का, तो वो मना किया कि मैं इतना नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे से, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मेरे से ज़्यादा कंफर्टेबली ये गया, सबसे ज़्यादा। मैं हॉल्ट लिया 2-3, अभी भी स्टिल नाउ मैं हॉल्ट ले रहा हूँ, लेकिन इसको हॉल्ट ही नहीं चाहिए, कंफर्टेबली बैठ के जा रहा है, मतलब सोचो। और एक चीज़ अच्छा लगा कि हाँ, मेरे को ऐसा पार्टनर मिला कि जो मेरे साथ कंफर्टेबली जा सकता है ट्रैवल के लिए। और ये मेरा, मतलब आप लोगों से वादा है कि अगर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने से मैं GoPro तो लूँगा ही, एक कन्फर्म है। उसके साथ साथ कोलकाता टू लद्दाख कन्फर्म है, मैं करूँगा ही। और ये गाड़ी लेके, ये 110cc गाड़ी लेके ही मैं करूँगा कोलकाता टू लद्दाख। सो हम लोगों का हॉल्ट हो गया है कंप्लीट, अभी हम लोग आगे के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि पीयू का भैया वहाँ पे वेट कर रहे हैं हम लोग को घुमाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और कितना दूर बाकी है, अभी मैप में दिखा रहा है 19 मिनट्स, अभी भी 20 मिनट का रास्ता बाकी है। मतलब हम लोग एंटर कर चुके हैं बिष्णुपुर में, लेकिन अभी भी 15 मिनट्स अभी भी बाकी है। मतलब सिटी के अंदर एंटर करने के लिए अभी भी, मतलब जहाँ पे साइट सीन है वो जगह एंटर करने के लिए अभी भी 15 मिनट का राइड है। मतलब वो 20 मिनट पकड़ लो, लेकिन मैं उतना होने नहीं दूरने वाला, क्योंकि 15 मिनट के अंदर मैं अंदर पहुंचने ही वाला हूं कैसे भी करके। मैं जैसे खींच रहा हूं, ऑलमोस्ट मैं पहले सोचा था कि दबा के नहीं चलाऊंगा, लेकिन फिर लास्ट में जाके मैं बोला कि थोड़ा सा मेरे को खींच के चलाना ही होगा। तो मैं ऑलमोस्ट स्पीड जो रखा 50, 60, 70, 75 लास्ट स्पीड रखा, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखा। सो अभी आगे के लिए निकल, हम लोग बिष्णुपुर एंटर कर चुके हैं। ये जो मेन गेट है, ये बिष्णुपुर का मेन गेट जो टेराकोटा स्टाइल में बनाया गया है, ये मेन गेट से ही एंटर करना होता है। सो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करें प्यू का भैया के लिए, वो बोला कि थोड़ा यहाँ पे वेट करो, मैं आ रहा हूँ रेडी होके। सो वो जैसे ही आएंगे फिर हम लोग घूमना शुरू करेंगे। एग्जैक्ट जगह बहुत ही अच्छा है, जिस चीज़ के लिए बहुत ही फेमस है, लाल मिट्टी के लिए फेमस है ना, लाल मिट्टी के लिए फेमस है, हाथ का काम किया है मंदिर में। तो वो जैसे ही मैं जाऊँगा मैं तो दिखाऊँगा वहाँ पर। और बहुत ही अच्छा है जगह, एक चीज़ देख के बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत सारा राइडर लोग राइड पे निकले हैं वहाँ पे, मतलब जो जंगल एरिया है वो जगह में सब रुक के खड़े वेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं भी एक जगह में आया हूँ जहाँ पे सब राइडर लोग जाते हैं, राइड करते हैं, और मेरा फर्स्ट टाइम राइड है, तो थोड़ा तो एक्साइटमेंट ज़्यादा ही है मेरा। फाइनली हम लोग बिष्णुपुर का जो राष्ट्र मंच है वहाँ पे हम लोग विजिट किए। अंदर फ़ोटो निकालना अलाउ नहीं है इसके अंदर, लेकिन फोटोज़ निकालना अलाउ है, वीडियो निकालना अलाउ नहीं है। लेकिन तुम्हारा भाई ऐसा थोड़ी मानेगा, थोड़ा बहुत तो वीडियो निकालना ही है, लेकिन वो चुपके से निकालना है। ये जो राष्ट्र मंच है ये बेसिकली 400 साल पुराना है, मतलब कितना पुराना है। अंदर जाके देखा पूरा ठंडा एकदम रखा है, मतलब दीवार वगैरह जो है एकदम मोटा मोटा वगैरह पूरा दीवार है पूरा एकदम। सो विजिट किया, अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ ख़राब लगा कि अंदर वीडियो हम लोग निकाल नहीं सकते। गाइड सर्विस वगैरह यहाँ पे अलाउ है, 350 चार्जेस है, जो 12 साइट सीन प्लेसेस है वो 12 साइट सीन प्लेस में गाइड जाएगा, जाके विजिट करवाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। टोटली 25 रुपीज़ का टिकट है सभी जगह विजिट करने के लिए, एक ही जगह यहाँ पे आओ, 25 रुपीज़ का टिकट्स खरीद लो, ऑल साइट सीन प्लेस आप विजिट कर सकते हो एक ही टिकट से। ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये वो टाइम का गाय रखने का जगह था 400 साल पुराना, ये अभी भी यहाँ पे है, मतलब सब गाय वगैरह यहाँ पे चारा दिया जाता है, और बहुत ही सुंदर जगह है। सो अभी हम लोग जो जगह पे है, ये जगह बेसिकली दुर्गा मंदिर है, मिनमई माता का मंदिर है। ये यहाँ पे पूजा, फर्स्ट दुर्गा पूजा किया था यहाँ का जो राजा था वो टाइम का, 400 साल पहले वो यहाँ पे पहला दुर्गा पूजा किया था।
तो वो मंदिर यहाँ पे है, वो दुर्गा मूर्ति भी यहाँ पे है। तो ये रास्ता दिखाई दे रहा है तालाब से होते हुए, सामने एक रास्ता है जो दूसरा वहाँ पे एक मंदिर में कनेक्ट करता है। कनेक्ट होने के टाइम, वो टाइम में क्या होता था कि जो राजा था वो टाइम का, तो वो यहाँ से सब नाव से अपना तलवार, फिर सोना, फिर जितना भी वगैरह सब कुछ था, कीमती सामान सब कुछ वहाँ पे ट्रांसफ़र करता था, ये जगह से ये रास्ता होते हुए वहाँ। दिखाई दे रहा है सैम राय, ये बेसिकली ये मंदिर है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ काम चल रहा है क्योंकि वो टाइम का 400 साल पुराना है तो इसको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। सो अभी मेंटेनेंस है करके हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे, बाहर से ही वीडियो कैप्चर करना पड़ रहा है इसका। दादा बोल तो गर्मी में लस्सी सबसे अच्छा है, मैं सोच रहा था पानी पीऊँगा, फिर जगह लस्सी मिल जाए लस्सी। पूरा महल, पूरा बोल सकते हो ये जगह में ही था पूरा। और ये जो दूर में दिखाई दे रहा है गेट, ये बेसिकली वो टाइम का मेन गेट था, मतलब अगर एंट्री, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ। जब भी एंट्री करना होता था ये जगह से एंट्री करना होता था। पूरा मंदिर है ना ये मंदिर, ये भी एक मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है। सो बेसिकली जितना मैंने ऑब्जर्व करके देखा कि यहाँ पे जितना भी मंदिर है सब श्री कृष्ण का ही मंदिर है, जितना भी मंदिर है सबसे ज्यादा राधा गोविंद जी, मदन मोहन, सबसे ज़्यादा राधा कृष्ण का ही मंदिर है। वहाँ पे भी एक मंदिर है, वो जो दिखाई दे रहा है वो भी मंदिर है, ये भी मंदिर है, काला चांद और मंदिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये वाला राजा का घर है और ये वाला दरबार है, ये बड़ा पत्थर है, हाँ बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर दरवाजा, बड़ा पत्थर दरवाजा। मंदिर दिखाई दे रहा है बेसिकली ये जीव मंदिर नहीं है, लालाजी टेम्पल है बेसिकली। सो अंदर जाके जैसे लालजी टेम्पल। सो मैंने इसका वीडियो भी निकाला एक्चुअली। यहाँ पे मैंने जो जितना ऑब्जर्व किया यहाँ पे जितना भी मंदिर है सब जगह में थोड़ा बहुत, मतलब वीडियो करना मना ही है सभी जगह में, थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ मना है, फिर भी मैं जितना हो सकता है मैं निकाल रहा हूँ। तो ये है बड़ा पत्थर दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा कहलाता था ये टाइम में। इसका टॉप में मतलब गाइड के लिए बैठता था जितना भी राजा का सेना वगैरह था, ऊपर में बैठता था और नीचे भी बैठता था। अभी हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं, अभी यहाँ पे वीडियो मना है कि नहीं वो हम लोगों को पता नहीं है। चलो चलते देखते आगे की तरफ। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं छोटा दरवाज़ा की तरफ। बेसिकली ये जो दरवाज़ा है असल में क्या होता है कि मेनली हम लोग जो जानते हैं वो है कि पहले मेन गेट आता है उसके बाद छोटा गेट आता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है, पहले छोटा गेट है उसके बाद मेन गेट है। सो वहाँ पे क्या है, जितना भी फौज वगैरह सब कुछ ज़्यादा है वो गेट में, जिसको बड़ा गेट बोल रहा है, लेकिन वो सेकेंड में आता है, पहले आता है ये वाला गेट जो है छोटा गेट। तो ये वाला एकदम ही छोटा गेट है। ये जो जगह दिख रहा है यहाँ पे सब कमान फिर बल्लम वगैरह लेके यहाँ पे गाइड, मतलब गाइड बोलता हूँ, प्रोटेक्ट करता था ये फोर्ट को, यहाँ पे जो राजा का फोर्ट था इसको गाइड करता था। और यहाँ पे सब कुछ अभी भी ऐसा ही है, छेद वगैरह किया हुआ है यहाँ पे, फिर ये वाला
सो अभी हम लोग जो जगह में आए हैं ये है जोरा बांग्ला टेम्पल, जो इको पार्क में इसका सेम कॉपी बनाया गया है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं टेराकोटा का, मतलब एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल यही बोल सकते हैं आप टेराकोटा का। मतलब खतरनाक हाथ का काम है, खतरनाक। 400 साल पुराना तीनों का आर्किटेक्चर सिर्फ सोच लो, मतलब कितना सुंदर आर्किटेक्चर है। और मतलब इसका कॉपी इसीलिए ही इको पार्क में बनाया गया है। जोड़ा मंदिर कहते हैं, दोनों मिडिल से डिवाइड है करके। सो अभी एग्जैक्ट हम लोग जो लोकेशन में हैं, ये बेसिकली पांच चूड़ा मंदिर इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ऊपर में जो चूड़ा है वो पांच चूड़ा है, एक साथ पांच को चूड़ा है ऊपर, इसीलिए इसको पांच चूड़ा मंदिर कहते हैं इसको। एक दो तीन चार पाँच। दिखाई दे रहा है, एक टाइम में ये सबसे खतरनाक जगह हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे क्या करता था राजा लोग, जिसको सज़ा देना होता था ये ऊपर से जो जगह दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट ऊपर में, वहाँ से फेंक दिया जाता था, और इसके नीचे तलवार फिर बल्लम वगैरह सब कुछ ऐसे मतलब सीधा हॉरिजॉन्टली खड़ा करके रखा है, तो ऊपर से जो भी नीचे गिरेगा मतलब उसका काम तमाम। मतलब आज देख के ऐसा लग रहा है, लेकिन वो टाइम में सबसे खतरनाक जगह था, मतलब क्या बोलेंगे, डर लगता है, डर पैदा कर देने वाला जगह था वो टाइम। सो ये जगह अभी जो जगह में हम लोग है इसको कहते हैं लाल बाग। बेसिकली यहाँ का जो राजा के टाइम में जो बाई था लाल बाई, उनको बेसिकली यहाँ पे मार के यहाँ पे गिरा दिया था, पीस पीस कर वो ये है ना, सिंधु तट्टी वाला। अच्छा वो मतलब तिजोरी में डाल के, अच्छा मतलब लाल बाई को काट के पीस पीस करके तिजोरी में डाल के ये बांध में उनको फेंक दिया गया था। बेसिकली ये डैम है तो इसमें गिरा दिया गया था। टूरिज्म है और ये चीज़ नहीं रहेगा, थोड़ी हो सकता है। सो यहाँ पे भी लिखा है कि आई लव बिष्णुपुर। सो यहाँ पे भी मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक किया, अभी सोच रहा हूँ दो तीन फ़ोटो मैंने क्लिक किया है। सो किसको थंबनेल में डालूँ किसको नहीं डालूँ, सो अभी सोचना पड़ेगा। पीयू तो है, सपोर्ट करेगा, कौन सा डालना है कौन सा नहीं डालना है, पहले वीडियो एडिट करना पड़ेगा। आज तो वीडियो तगड़ा होने वाला है, लेकिन अभी तक बहुत सारा क्लिप हो गया है, सो एडिट करने भी मेरा फटने वाला है। सो अभी जो साइट सीन प्लेस में हम लोग है इसको कहते हैं दल मदन कैनन पॉइंट। बेसिकली ये जो कैनन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री मानो यहाँ का लोकल का मानो, ये श्री कृष्णा ने इसको अपने मतलब यहाँ से ये साइड से कैरी किया था, ऐसे कैरी करके इसको ऐसे करके कैरी करके इसको फायर किया था। तो दो था लालबान में, एक गिरा हुआ है लालबान में, लाल बांध में इससे पहले जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ पे इसका एक और हिस्सा गिर गया है, और एक हिस्सा यहाँ पे अभी मिला है जो यहाँ पे स्टैचू करके रखा गया है इसको। इसमें बोला जाता है कि 16 kg तक बारूद, मतलब बारूद 16 kg तक बारूद इसमें लोड हो सकता है और होके फायर हो सकता है वो टाइम का। तो अभी हम लोग आए
बिरयानी हाउस जहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि यहाँ का फेमस है भैया बोला है, यहाँ का फेमस है। खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है, अच्छा मिलता है, सब तरह का खाना मिलता है, मुगलाई, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इंडियन सभी मिलता है। सो यहाँ पे खाना का क्वालिटी बहुत अच्छा है। मतलब इतना हम लोगों ने घूम लिया, अभी बहुत जोर का भूख लगा है, हम बोला कि अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पे, चलो वहाँ पे जाके खाना खा लेंगे, फिर जाके रेस्ट ऑफ जितना भी साइट सीन प्लेस है वो सब हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे। अभी डिसाइड हो रहा है कि क्या ऑर्डर करेगा नहीं करेगा। चिकन और प्रॉन रहेगा, बस ख़त्म। लेकिन इसमें क्या है, मैंने देखा फर्स्ट टाइम मशरूम भी दिया हुआ है इसमें, देखो मशरूम भी दिया है, मतलब क्वालिटी का माफिक तो बहुत ही अच्छा है। अभी टेस्ट जो मैटर करता है, टेस्ट परफेक्ट है। अभी बारी जो है चिल्ली चिकन टेस्ट करने का, सो ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत भूख लगा है। लेकिन लास्ट एक ही चीज़ मैं टेस्ट करने वाला हूँ, जो है हंडी चिकन, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। तीनों चीज़, हाँ सॉरी हंडी चिकन नहीं, रेशमी बटर चिकन अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सो पेट भर के हम लोगों का लंच हो गया। अभी हम लोग आए जो जगह विजिट करने के लिए, वो है नंदलाल टेम्पल। सो ये टेम्पल भी वैसा पुराने जो हम लोग अभी तक विजिट कर रहे हैं वैसा सेम, ये भी टेराकोटा के लिए फेमस है। सो ये जो जगह है बेसिकली ये बोला जाता है लालगढ़। तो यहाँ पे खासियत यही था कि यहाँ से एक सुरंग था, जो सोले का जो ब्रिटिश का सुरंग, वैसा सुरंग यहाँ पे राजा बनाया था। सो एक्चुअली उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे झलक, जिसमें हम लोग जा सकते हैं अंदर, मतलब यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। लेकिन सामने एक तालाब है, वो तालाब में जाके ये ख़त्म होता है। लेकिन क्या है, अभी पानी है करके हम लोग जा नहीं सकते अंदर, यहाँ से पानी दिखाई दे रहा है, अभी कैमरा में दिखाई दे रहा है कि मेरे को पता नहीं, लेकिन सामने पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है पानी है। सो इसीलिए हम लोग नहीं जाएंगे अभी। लेकिन एक टाइम में बोला जाता था ये सुरंग पूरा राजा का महल की तरफ जाके निकलता था। देखो इसका हालत देखो, जैसे ही झूला देगा बच्चों की तरह हो गया पूरा। कहाँ लिखा है सिर्फ बच्चे लोग ही झूला झूल? नहीं, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे ही दिखा वैसे ही बच्चों की तरह हो गया। तो मैंने तो पहले ही पूछ लिया था। तो ये जो जगह मैं खड़ा हूँ, जैसा कि मैं बोल रहा था कि महल में जा सकते एक रास्ता था, वो यही था। अभी इसको बुझा दिया गया है और इसका जो डेप्थ है करीबन 7 माले की तरह, मतलब 7 माला यहाँ पे फिट हो जाएगा। नीचे जाने के लिए सीढ़ी भी है। हाँ, नीचे जाने के लिए इसमें सीढ़ी भी है, जैसे वहाँ पे मैंने दिखाया, जैसा मैंने दिखाया वहाँ पे वैसा सेम यहाँ पे भी है। सो इसको अभी बुझा दिया गया है क्योंकि सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी रीजन, नहीं तो पार्क है पता ही चल रहा है, पार्क है मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे। सो इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। अभी जाना है हम लोगों को इसके ऊपर एकदम टॉप मंजिल पर। बेसिकली ये था वो टाइम का वॉच टावर, तो ये रिबिल्ड किया हुआ, मतलब 2000 कितना में रिबिल्ड किया इसको, 2008 में इसको फिर से रिबिल्ड किया इसको एक्चुअली, तो इसीलिए इतना सुंदर और इतना अलग कलर का दिखाई दे रहा है। नहीं तो इससे पहले ये भी वॉच टावर ही हुआ करता था। इसका चाबी जब हम लोग वहाँ से एंट्री ले रहे थे टिकट वगैरह लिया, तभी हम लोग को इसका चाबी वगैरह दे दिया था। कहाँ जाता है कि इससे पूरा व्यू दिखाई देता है। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, जाके देखते हैं कि कितना व्यू दिखाई देता है ऊपर से। सो जब मैं बाहर से टिकट लेके आ रहा था, तभी वहाँ पे देखा कि वो लोग हम लोगों को अलग से चाबी दिया, बोला कि आप लोग अगर ऊपर जाओगे, वॉच टावर के ऊपर जाओगे, तो ये चाबी आपको देता हूँ, आप खोल के ऊपर जाना। तो तभी तो पता नहीं चला हम लोगों को क्यों दिया, अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि क्यों ये चाबी हम लोगों को दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री अभी तक जहाँ पे नहीं देखा उससे ज़्यादा इसके अंदर देखा, दीवार में इतना हिस्ट्री, ये प्लस वो प्लस ये। अरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ठीक से याद कर लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। सो ये सीढ़ी से और ऊपर जाने का, मतलब ये लोहे वाला स्टेयर से और ऊपर जा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है और दिखने से ही लगता है कि ये कितना अनसेफ्टी है। देखो यहाँ पे टूट गया है, जगह में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टूट गया है एक्चुअली।
जैसा भी बोलो नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत ही सुंदर है। इतना ऊंचे में आके और पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, मतलब जस्ट चुम्मेश्वर वाला एकदम फीलिंग है और ऑसम फीलिंग है पूरा एकदम। सो फार सो गुड। मैं सोचा था कि बाइक लेके आऊँगा इतना दूर, फिर अच्छा नज़ारा मेरे को दिखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो ये देख के पैसा पूरा वसूल हो गया एकदम। हाँ हे कुछ नज़ारा दिखने लगा। फ्रेशनअप हो गया जल्दी, लेकिन मेरे को एक चीज़ हो गया है, ज़ुकाम लग गया है तगड़ा वाला। अभी दवाई लिया मैंने और ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और वीडियो को अभी एडिट पे बैठ जाता हूँ। अगर यहाँ तक अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा दीजिए। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।